أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا. بھائیو اور بہنوں, سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مردوں کی تقریر الگ اور عورتوں کی تقریر الگ نہیں ہو. یہ آپ کو نہیں سمجھا رہا, بہنوں کو سمجھا رہا ہے. خواتین جو ہیں ان کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ مردوں کی تقریر, مردوں کے لیے تقریر کچھ الگ ہوتی ہو, عورتوں کے لیے کچھ تقریر الگ ہوتی ہو, ایسا نہیں. انسان کی دو قسمیں ہیں, مرد اور عورتیں, اور انسان اللہ کے بندے ہیں. مرد بندے ہیں, عورتیں بندیاں ہیں. سب کے خالق و مالک ایک ہیں, اور اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے جو دین بھیجا ہے اور جو شریعتیں نازل فرمائی ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہیں. ہاں, انسان کی دو صنفیں ہیں, دو قسمیں ہیں, ایک مرد اور ایک عورت. ان کے مسائل 1% الگ الگ ہیں. وہ احکام الگ ہیں, مردوں کے احکام الگ ہیں, عورتوں کے احکام الگ ہیں. مثلا مرد کے لیے حکم ہے کہ مونچھیں کاٹے, داڑھی رکھے. عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر داڑھی کسی عورت کی نکل آئے تو داڑھی کو مونڈنا واجب ہے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے, اگر کسی عورت, بعض عورتوں کی داڑھی مونچھ نکل آتی, تھوڑی تھوڑی نکل آتی, تو اگر کسی عورت کی داڑھی مونچھ نکل آئے تو اس داڑھی مونچھ کو مونڈنا واجب ہے, یعنی فرض ہے. اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مونچھیں کاٹو, جیسی تمہیں پسند ہو کاٹو, کم سے کم اوپر کے ہونٹ کا کنارا نظر آنے لگے اتنا کاٹنا واجب ہے. پھر اس سے آگے جیسی جس کی پسند, کوئی بالکل جڑ سے کاٹے, کوئی استورے سے مونڈے, کوئی بال رکھے, یا ڈیزائر, جو آپ کی مرضی. باقی اتنی مونچھ کاٹنا ضروری ہے کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارا نظر آنے لگے, اتنا مونچھ کاٹنا واجب ہے. مسلم شریف میں روایت ہے, من لم یأخذ شاربہ فلیس منا, وہ شخص جو اپنی مونچھ نہیں کاٹتا اس کا ہم سے کیا تعلق, وہ ہم میں سے نہیں. جیسے یہ سردار جی ہوتے ہیں, سکھ ہوتے ہیں, یا ہندوؤں میں سادھو ہوتے ہیں, وہ داڑھی بھی نہیں کاٹتے جتنی بھی بڑھے, مونچھیں بھی نہیں کاٹتے جتنی بھی بڑھے, چاہے دونوں ہونٹ چھپ جائیں.
ये मुसलमान थोड़ी है। मुसलमान तो वो है जो जिसके लिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जिस जो अपनी मूछ नहीं काटता वो हम में से नहीं। मल्लम याखुज शार बहु फलैस मिन्ना। और दाढ़ी के लिए क्या हुक्म है? दाढ़ी के लिए हुक्म ये है कि एक मुश्त तक दाढ़ी रखना वाजिब है, इससे जायद काट लेना सुन्नत। हदीसों में एक वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाहाने अजम यानी जजीरतुल अरब के चारों तरफ जो हुकूमतें थी उनको दावत इस्लाम के खतूत लिखे, तो ईरान का बादशाह जो उस जमाने में सुपर पावर था उसको भी दावत इस्लाम का खत लिखा। वो खत जब पहुंचा तो वो खत हुजूर का, हुजूर के नाम से शुरू हो रहा था और बादशाह का नाम सेकंड आया था, नेक्स्ट आया था। उस पर गुस्सा आया कि ये मेरी रईयत का आदमी और अपना नाम उससे पहले लेता है। उस पढ़ने वाले के हाथ में से खत लेकर उसने चीर दिया और चीर के फेंक दिए। वो चमड़े पर लिखा हुआ था तो आधा फटा, कहीं फोटुओं में आता है आधा फटा हुआ फोटो आते हैं नाम है मुबारक के। और बहरैन के गवर्नर को उसने हुक्म भेजा कि ये बदतमीज जो खत में जिसने अपना नाम पहले लिखा है दो आदमी भेजो जो इसे गिरफ्तार करके हमारे दरबार में हाजिर करें। बहरैन अरब का इलाका है लेकिन ईरान के मातहत था। यूनान के बहरैन के गवर्नर ने दो आदमी भेजे मदीना, हुजूर को गिरफ्तार करेंगे, दो आदमी गिरफ्तार करने जा रहे हैं और गिरफ्तार करके ईरान के बादशाह के दरबार में ले जाएंगे। वो दो आदमी वहां पहुंचे तो वहां का तो नक्शा ही कुछ अलग था। शमा के परवाने सहाबा शमा पर परवानों की तरह सीधा थे वो दो, क्या गिरफ्तार करते। लेकिन बहरहाल वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो रिवायत में ये है कि उनकी दाढ़ियां मुंडी हुई थी और मूछें बड़ी बड़ी थी, जैसे हिंदुस्तान के हिंदू करते हैं इसी तरह से मजूसियों का भी ये तरीका था कि मूछे नहीं काटते थे, दाढ़ियां बिल्कुल मूंदते। जब वो दोनों हुजूर के सामने आकर बैठे हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे चेहरा फिरा दिया और फरमाया वैलकुमा मन अमरकुमा बिहाजा, तुम दोनों का नाश हो, तुम्हें ऐसी शक्ल बनाने का किसने हुक्म दिया? तो उन्होंने कहा अमरना रब्बुना, हमारे लॉर्ड ने हमें ऐसा शक्ल बनाने का हुक्म दिया है। यानी हमारा ईरान का कल्चर ये है, जैसे आप इस मुल्क में गैर मुस्लिमों का कल्चर ये है कि हमारे लॉर्ड ने, हमारे रब ने, हमारे बादशाह ने हमें ये हुक्म दिया है कि मूछे न काटें, दाढ़ियां मुंडे। तो हुजूर ने फरमाया वलाकिन रब्बी अमर, मगर मेरा जो लॉर्ड है, मेरा जो परवरदिगार है, मेरा जो खालिक व मालिक है, जो मेरा पालनहार है, उसने मुझे ये हुक्म दिया है कि मूछे काटूं, दाढ़ी बढ़ाऊं। हदीस शरीफ सुना रहा हूं मैं। और उन हालांकि वो गैर मुस्लिम थे लेकिन उनके चेहरों से हुजूर को इतनी नफरत हुई कि हुजूर ने चेहरा फेर लिया और फरमाया तुम्हारा नाश हो, तुम्हें ऐसी शक्ल बनाने को किसने कहा? तो मर्दों के लिए अहकाम ये है और औरतों के अगर मूछ निकल आए और दाढ़ी निकल आए तो मूछ और दाढ़ी दोनों मुंडना वाजिब है। क्यों? औरत का चेहरा ऐसा होना चाहिए, मर्द का चेहरा ऐसा होना चाहिए। ये इंसान की दो किस्में, सिंफें यानी दो किस्में हैं और दोनों किस्मों के आता अलग अलग है। ये 1% है, 99% मर्दों की शरीयत मर्दों के लिए दीन और औरतों की शरीयत औरतों के लिए दीन एक है। बस जो बातें मर्दों से कही जाती हैं बहनों को भी ये समझनी चाहिए कि ये बातें उनके लिए भी है। हमारी खवातीन बिचारी तकरीर सुनकर कहते हैं कि हमारे ताल्लुक से तो मौलाना साहब ने कुछ नहीं कहा, हम औरतों के ताल्लुक से तो कुछ नहीं कहा,
उसको मैं बहनों को समझा रहा हूं कि दीन मर्दों का औरतों का एक है, अकीदे एक हैं, जो अकीदे मर्दों के लिए हैं वही औरतों के लिए हैं, इबादतें एक हैं, नमाज रोजा जकात हज जो इबादतें मर्दों के लिए हैं वही औरतों के लिए हैं, मामलात एक हैं, बिजनेस कारोबार जो हम करते हैं उसके जो अहकाम मर्दों के लिए हैं वही औरतों के लिए हैं, अखलाक एक हैं, जो मॉरल मर्दों के लिए अखलाक हसना है अच्छे अखलाक हैं वही औरतों के लिए अच्छे अखलाक हैं, जो बुरे अखलाक मर्दों के लिए हैं वही बुरे अखलाक औरतों के लिए, मुआशरत एक है, रहन सहन के जो अहकाम हैं वो दोनों के लिए एक हैं, मर्दों को किस तरह दूसरों के साथ बरतना है औरतों को किस तरह दूसरों के साथ बरतना है सबके अहकाम एक हैं। हाँ, सिन्फी अहकाम अलग हो जाते हैं, मर्द को हसबेंड होने की हैसियत से बीवी के साथ कैसे बरतना है और बीवी को वाइफ होने की हैसियत से हस्बैंड के साथ कैसे बरतना है, यह काम अलग अलग आएंगे। लेकिन औलाद के साथ क्या बर्ताव करना है, बाप को भी वही बर्ताव करना है, माँ को भी वही बर्ताव करना है, माँ बाप के साथ क्या बर्ताव करना है, मर्द को भी वही बर्ताव करना है, औरतों को भी वही बर्ताव करना है, भाई बहनों के साथ पड़ोसियों के साथ मर्दों के लिए औरतों के लिए अहकाम एक है, बस एक हुक्म अलग है कि हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड को वाइफ के साथ किस तरह बरतना है और वाइफ को हस्बैंड के साथ किस तरह बरतना है, इसकी एक मसला अलग है, बाकी सब मसाइल एक है। बस मेरे भाइयों, इस नुक्ते को समझना चाहिए, आपको मर्दों को तो खास समझने की जरूरत नहीं है, खवातीन को बहनों को यह नुक्ता समझना चाहिए कि जो बात गुफ्तगू की जाएगी वो मर्दों के ताल्लुक से नहीं होती, वो इंसानों के ताल्लुक से होती है, सब इंसान अल्लाह के बंदे हैं और सब इंसान हुजूर की उम्मत हैं और हुजूर जो दीन लाए हैं वो सब इंसानों को पहुंचाना है, मर्दों के लिए भी वही औरतों के लिए भी वही, पर 1% जो अहकाम अलग अलग हैं वो औरतें जब सिर्फ औरतें होती हैं और जरूरत होती है तो औरतों के वो खास अहकाम जो औरतों ही से ताल्लुक रखते हैं, मर्द उसके मुखातब नहीं हैं, वो बयान किए जाते हैं जब औरतें ही हों, सिर्फ उन्हीं का इज्तिमा हो, उन्हीं का मजमा हो, उस वक्त तो वो बयान किए जाते हैं, मर्दों के सामने उन मखसूस अहकाम का बयान करना मुनासिब नहीं। इसलिए बुनियादी तौर पर मैं अपनी बहनों को ये बात समझा रहा हूं, उनको समझना चाहिए कि दीन की जो बातें होंगी वो मर्दों औरतों के लिए सबके लिए एक है, दीन सबके लिए एक आया है। उसके बाद मेरे भाइयों, मैंने एक पुराने करीम की छोटी सूरतों में से एक सूरत पढ़ी, ये जो छोटी छोटी सूरतें होती हैं ये बहुत ही अहमियत की हामिल सूरतें होती, लेकिन हमारी हिरमा नसीबी ये है कि हम इन्हें समझते ही, हालांकि हर छोटी सूरतों में से हर सूरत में निहायत अहम मजमून होता है और जरा सा छोटी सी सूरत के अंदर वो सारा मजमून समोया हुआ होता है और नमाजों में वो सूरतें बार बार पढ़ी जाती हैं, लेकिन हमें क्या फायदा है, हम समझते ही नहीं उन सूरतों को, जैसे बड़े कुरान को पूरे कुरान को नहीं समझते, छोटी सूरतों को भी नहीं समझते। इसलिए मेरे भाइयों, आज वक्त भी कम है, ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है, मेरे पास तो है वक्त, आपके पास नहीं, मैं तो रात भर सुनो तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन आप हजरात को सुबह कुछ काम भी करने होंगे, इसलिए आप हजरात के पास वक्त कम है, इसलिए मैंने ये सूरत मुंतखब की है, इस सूरत में क्या मजमून है तफसील नहीं करूंगा, मुख्तसर तरीके पर ही सूरत का मजमून समझाऊंगा। इस सूरत का शान नुजूल ये है, शान नुजूल यानी बैकग्राउंड, पसे मंजर, वो क्या हालात थे जिन हालात में ये सूरत उतरी, शान नुजूल का ये मतलब होता है, बैकग्राउंड क्या है इसका, ये जो शान नुजूल है इसके समझने से सूरत का मजमून समझने में मदद मिलती, इसलिए शान नुजूल पहले से जहन में हो तो सूरत आसानी से समझ में आएगी। मुशरिकीन का यानी मक्का वालों का
एक वक्त डेप्यूटेशन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उन्होंने एक स्कीम हुजूर के सामने रखी कि हम आपका हमारा और आपका रोज रोज का झगड़ा ठीक नहीं, आप हमारे बुतों को हमारे खुदाओं को कंडम करते हैं, आप अपने खुदा पर ईमान लाना की दावत देते हैं, ये दो हिस्से हो गए, आप अलग हो गए हम अलग हो गए, ये झगड़ा ठीक नहीं, कंप्रोमाइज करो। और प्लान ये लाकर रखा उन्होंने कि हम आपकी मस्जिद में आए और अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़ें, आप हमारे मंदिर में आए और हमारे मूर्तियों की आप दंडोत करें, पूजा करें, तो हमारा आपका झगड़ा खत्म। ये स्कीम लाए थे कुरान करीम की ये सूरत नाजिल हुई और कुरान ने कहा ये प्लान, ये स्कीम, ये फार्मूला नाकाबिल अमल है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, मेरा दिन मेरे लिए है, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए। ये जो तुम प्लान और स्कीम लाए हो ये नाकाबिल अमल है, ये कयामत की सुबह तक ये नहीं होने का। लकुम दीनुकुम, जो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हारे लिए है। वलिया दीनी, मेरे लिए मेरा दीन है, मुझे जो अल्लाह ने दीन नाजिल फरमाया है और हम मुसलमानों को जो अल्लाह ने दीन अता फरमाया है, ये दीन हमारा दीन हमारे लिए है, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, तुम्हारा धर्म तुम बरतो, हमारे और तुम्हारे दरमियान में कंप्रोमाइज का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ये सूरत नाजिल हुई। इस सूरत को समझने के लिए आप हजरात को अरबी नहीं जानते, मगर यहाँ हमारे दो तीन चार मौलवी, उनके लिए मैं थोड़ा सा इशारा करूं, दरमियान में अगर कोई बात सबके पल्ले न पड़े तो कोई हरज नहीं, बात बातें खास लोगों के लिए होती। दो कायदे याद रखने चाहिए, जमाने तीन हैं, गुजरा हुआ माजी, प्रेजेंट हाल मौजूद और फ्यूचर आने वाला, जमाने तीन है। सभी जानते हैं हर दुनिया की हर लैंग्वेज में हर ग्रामर में जमाने तीन ही होते हैं, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, ये तीन ही जमाने हैं। लेकिन अरबी जुबान में फेल दो हैं, जब जमाने तीन हैं तो फेल तीन होने चाहिए, मगर नहीं, अरबी जुबान में फेल दो है। गुजरे हुए जमाने के लिए तो फेल माजी, माजी के माने गुजरना, वो फेल के जिससे गुजरे हुए जमाने की ताबीर की जाती, और हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए मुजारे है। ये उलमा हर अरबी पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि माजी फैल माजी, जमाने माजी के लिए फैल माजी है, और हाल और इस्तकबाल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक फैल है, फैल गुजारे। मगर ये जो दो जमाने हैं मुजारे के तहत में, वो दोनों एक साथ मुराद नहीं लिए जाते। जिस वक्त आप फैल गुजारे से हाल मुराद लेंगे तो मुस्तकबिल मुराद नहीं लेंगे, और जब मुस्तकबिल मुराद लेंगे तो हाल मुराद नहीं लेंगे। दो हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट और फ्यूचर, दोनों जमाने एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते और फेल मुजारे एक ही फेल है तो दोनों जमाने एक साथ कैसे मुराद लेंगे? जब हाल लोगे तो मुस्तकबिल नहीं लेंगे, और मुस्तकबिल लेंगे तो हाल नहीं लेंगे। ये कायदा हम अरबी अव्वल में पढ़ाते हैं, मगर ये मजमून नहीं पढ़ाते। भाई इतना पढ़ाते हैं कि फेल मुजारे दोनों जमानों के लिए, हाल और इस्तकबाल के लिए फेल मुजारे, यहां तक पढ़ाते हैं, आगे की बात नहीं बताते कि ये जो दो जमाने मुजारे में हैं दोनों साथ मुराद नहीं लिए जा सकते। जब एक लेंगे हाल लेंगे तो मुस्तकबिल नहीं लेंगे, मुस्तकबिल लेंगे तो हाल नहीं लेंगे। दूसरा कायदा ये है कि इस्म फाइल फेल मुजारे से बनता है। जब फेल मुजारे से इस्म फाइल बनता है तो फेल मुजारे में जो दो जमाने हैं इस्म फाइल में भी वो दो जमाने होंगे।
और जैसे फेल मुजारे में दोनों जमाने एक साथ मुराद नहीं ले सकते हैं, ऐसे ही इस मफाइल से भी दोनों जमाने एक साथ मुराद नहीं ले। ये दो कायदे जहन में, ये आप हजरात के समझ में नहीं आएंगे तो उलमा को मैंने समझाया। अब सूरत पाक का तर्जमा सुनो। कुल या अय्युहल काफिरून, कहिए ऐ मुनकिरो, काफिर आजकल गाली बन गई, नन मुस्लिम को काफिर कहें तो माइंड करते हैं, मैं काफिर हूं, मैं ईसा अलैहि सलाम को मानता हूं, मैं मूसा अलैहि सलाम को मानता हूं, मैं ये मानता हूं, मैं वो मानता हूं, मैं काफिर हूं, तो लोग का लफ्ज काफिर को गाली समझते हैं, तो मत इस्तेमाल करो, कोई जरूरी है? का लफ्ज काफिर के जो माना है वो मुराद है, वो माना आप किसी भी तरह से ताबीर करो। काफिर के माने हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन और शरीयत लेकर आए हैं उसको जो भी एक्सेप्ट नहीं करता वो है रिजेक्टर, मुनकिर, न मानने वाला, काफिर के इतने माना है। और ये माना खास नहीं है, हर नबी का जब जमाना था, मूसा अलैहि सलाम का जमाना है, तो जो मूसा अलैहि सलाम का लाए हुए दीन और शरीयत को नहीं मानेगा वो काफिर है, मुनकिर है, इनकार करने वाला है, रिजेक्टर है। ईसा अलैहि सलाम का जमाना आया तो जो ईसा अलैहि सलाम का दीन लाया हुआ नहीं कबूल करेगा वो काफिर है, न मानने वाला है। ऐसे ही जब तमाम नबियों के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं, जिनके बाद नया कोई नबी नहीं आना, पिछले नबियों में से ईसा अलैहि सलाम तो उतरेंगे लेकिन नया कोई नबी नहीं आना, और जब आखिरी पैगंबर हुजूर हैं तो हुजूर का लाया हुआ दीन और हुजूर की लाई हुई शरीयत, ये दोनों चीजें, यही अल्लाह का आखिरी दीन है, पर जो इसको मानता है कबूल करता है वो है मोमिन, लफ्ज मोमिन के माने कबूल करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, मानने वाला, और जो इस दीन को नहीं मानता वो है काफिर, न मानने वाला, इनकार करने वाला। तो कहा कहिए, अल्लाह फरमाते हैं कहिए ऐ वो लोगों जो मेरा लाया हुआ दीन नहीं मानते हो, या कुल या अय्युहल काफिरून का ये मतलब। यहां रुक करके एक मसला समझो, अल्लाह ने हुजूर से फरमाया तो आप कहिए कुल, ये अब कुल कुरान में क्यों है? वो लीबिया वाला है ना कज़्ज़ाफी, उसका ये एतराज है कि कुरान में जहां जहां कुल है ये सब कुल हज़्फ़ हो जाने चाहिए, ये तो अल्लाह ने हुजूर से कहा था कुल, अब कुल की क्या जरूरत है? कुल हुवल्लाह अहद का कुल निकाल दो, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक का कुल निकाल दो, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास का कुल निकाल दो, कुल या अय्युहल काफिरून का कुल निकाल दो। अल्लाह ने नबी से कहा था कहिए, उन्होंने हुजूर ने कह दिया, अब कुल की क्या जरूरत? उसका जवाब, एक जवाब तो ये है कि ये कुल हम पढ़ते हैं, अल्लाह ने हुजूर को जो फरमाया था वो हम पढ़ते हैं, और हमें भी ये हुक्म है कि जैसा हुजूर ने कहा हम में से पूरी उम्मत को हुक्म है कि तुम भी कहो, यानी ये कहने की बात हुजूर के साथ खास नहीं थी, हुजूर पर नाजिल हुई ये सूरत है, हुजूर ने काफिरों से कहा, आज पूरी उम्मत के लिए ये हुक्म है कि अपने अपने दायरे में हर शख्स उन लोगों से जो इस तरह की स्कीम पेश करे, इस तरह का फार्मूला पेश करे कि भाई हम सभी ओके, ईसाई ओके, यहूदी ओके, हिंदू ओके, गैर मुकल्लिद ओके, कादियानी ओके, शिया ओके, मौदूदी ओके, ये सब ओके वाले हैं, उनसे कहो। ये कहने के लिए अब भी कहना हरेक को ये हुक्म है कि अपने अपने दायरे में कहो सब ओके मत चलाओ, अगर दुनिया में सब ओके चलता तो अल्लाह के नबियों को भेजने की और उन पर आसमान से दीन नाजिल करने की कोई जरूरत ही नहीं।
यहां रुक कर एक मसला समझे। जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी उस वक्त दो ही थे, मुसलमान और काफिर दो ही थे। मुसलमानों में गुमराह फिरके नहीं थे, इस नुक्ते को समझो अच्छी तरह से। और हदीस है कि यहूद के 71 फिरके हुए सब जहन्नम में जाएंगे, यानी कोई अहले हक नहीं रहा। ईसाइयों के 72 फिरके हुए सब जहन्नम में जाएंगे, यानी उन 72 में से कोई अहले हक नहीं रहा। और हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरते होंगे, यानी यहूदियों से ईसाई आगे बढ़े इख्तिलाफात में, फिरके बनने में। ईसाइयों से ये उम्मत और आगे बढ़ेगी फिरके बनने में। मगर हुजूर ने फरमाया कि एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। यहूद के सब फिरके जहन्नम में गए, अहले हक कोई नहीं रहा। ईसाइयों के सब फिरके जहन्नम में गए, अहले हक कोई नहीं रहा। मगर हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। इसका साफ मतलब यह है कि ये 72 फिरके गुमराह हैं, एक ही फिरका हक है जो जन्नत में जाए। और यहूद और नसारा के साथ जो नक्शा पेश आया तो सारे फिरके गुमराह हो गए। अल्लाह के फजल से इस उम्मत के साथ ये नक्शा पेश नहीं आएगा। कयामत की सुबह तक इस हुजूर की उम्मत में एक जमात दीन हक पर मजबूत जमने वाली होगी। इसके लिए दूसरी हदीस है, ला तज़ाल ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यातिय अम्रुल्लाह। फरमाया कि मेरी उम्मत में एक जमात दीन हक पर मजबूत हमेशा रहेगी, कोई कितनी भी उनकी मुखालिफत करे उनका बाल बीका नहीं कर सकेगी, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए यानी कयामत आ जाए। तो इस उम्मत में कयामत तक एक फिरका बरहक रहना है, और 72 फिरके गुमराह हैं। जब 72 फिरके गुमराह हैं तो सबके सब ओके कैसे चलेगा? मोटी सी बात है, ये भी ओके, वो भी ओके, वो भी ओके, वो भी ओके, सब ओके कैसे होते? इस नुक्ते को जरा समझ लेना चाहिए। खैर, उसको बाद में समझाएंगे। कुरान ने कहा आप कहिए, कुल या अय्युहल काफिरून, कहिए ऐ वो लोगों जो मेरा लाया हुआ दीन कबूल नहीं करते, ला अबुदु मा ताबुदून, नहीं पूज रहा हूं मैं जमाने हाल में, फिलहाल नहीं पूज रहा हूं मैं उन मूर्तियों को जिनको तुम पूज रहे हो। मैं तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आता। तुम जिन मूर्तियों को, झूठे खुदाओं को तुम खुदा मानते हो और पूजते हो, तुम देख रहे हो मुसलमान उनको हरगिज नहीं पूज रहे। ला अबुदु मा ताबुदून, नहीं पूज रहा हूं मैं फिलहाल उन मूर्तियों को जिनको तुम फिलहाल पूज रहे हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम जमाने हाल में उस अल्लाह को नहीं कि अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे जिस अल्लाह की बंदगी मैं और मेरे साथी मुसलमान हम कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ जो ईमान लाने वाले बंदे हैं मोमिनीन, जिस अल्लाह की बंदगी हम कर रहे हैं उस अल्लाह की बंदगी तुम नहीं कर रहे, तुम्हारे खुदा अलग हैं, तुम मस्जिदों में आकर अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहे। जमाने हाल का नक्शा ही है कि मैं तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आता, तुम हमारी मस्जिदों में कभी नहीं आते, मैं तुम्हारे उन खुदाओं की परस्ती फिलहाल नहीं कर रहा हूं जिनकी परस्ती तुम कर रहे हो, और तुम उस अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहे हो जिस अल्लाह की बंदगी हम कर रहे हैं। यानी फिर जमाने हाल का नक्शा ये, देखो जमाने हाल तो सब लोगों की निगाहों के सामने होता है, लेकिन अब पेशीन गोई सुनो। फरमाया वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और फ्यूचर में तुम उस खुदा की बंदगी कभी नहीं करोगे जिस बंदगी, जिस खुदा की बंदगी हम मुसलमान करते हैं। ये पेशीन गोई है, 1400 साल गुजर गए और कुरान ने जो कहा है वही नक्शा चल रहा है, और कल कयामत की सुबह तक यही नक्शा चलेगा जो पेशीन गोई कुरान कर रहा है।
वला अंतुम आबिदून मा अबुदु, और आइंदा फ्यूचर में तुम पूजा नहीं करोगे, इबादत नहीं करोगे, बंदगी नहीं करोगे उस खुदा की जिस खुदा की बंदगी मैं कर रहा हूँ, मुसलमान कर रहे हैं, उस खुदा की बंदगी तुम कयामत तक कभी नहीं करोगे। वला अनाबिदुम, और ये भी देख लो कि कयामत तक हम तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आए, हम तुम्हारे उन मूर्तियों की कभी पूजा करने वाले हैं ही नहीं जिन मूर्तियों को तुम पूज रहे हो, हम कयामत तक तुम्हारे मंदिरों में आकर तुम्हारे खुदाओं की पूजा नहीं करें। तो हाल का नक्शा भी रख दिया और फ्यूचर की पेशिनगोई भी कर। फिर शुरू से सूरत लो, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून, नहीं इबादत कर रहा हूं मैं उन मूर्तियों की जिन मूर्तियों को तुम पूजते। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और जमाने हाल में तुम उस अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहे जिस अल्लाह की बंदगी हम कर रहे हैं। ये तो जमाने हाल है, आगे क्या होगा? आज तो नक्शा ये है, आगे क्या होगा? फरमाया वला अंतुम आबिदून मा आबुद, फ्यूचर में तुम कभी हमारी मस्जिदों में नहीं आओगे, हमारी मस्जिदों में आकर उस अल्लाह की बंदगी तुम कभी नहीं करोगे जिस अल्लाह की बंदगी हम कर रहे हैं, तुम कभी भी कयामत तक उस अल्लाह की बंदगी नहीं करोगे। वला अनाबिदुम मा आबदतुम, और मैं यानी मुसलमान कयामत तक कभी तुम्हारे मंदिरों में आकर तुम्हारे खुदाओं की इबादत नहीं करें। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हें तुम्हारा दिन मुबारक, हमें हमारा दिन मुबारक, हम अपने दिन पर हैं, तुम अपने दिन पर। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल हो चुके आज तक मूर्ति पूजा करने वालों के दरमियान में और अल्लाह की बंदगी करने वालों के दरमियान में कंप्रोमाइज नहीं हुआ और न हो सकता है, और कयामत तक कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये बात कही तो गई है मुशरिकीन से, मगर ये बात कही गई है दुनिया में हर बातिल मजहब से। ईसाइयों के साथ भी यही है, अगर ईसाई ये फार्मूला पेश करते हैं कि आओ कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज दीन में नहीं होगा। यहूदी अगर ये फार्मूला पेश करते गाओ कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज दिन में नहीं हो, तुम अपना दिन पर हो, हम अपने दिन पर हैं। तो जो सोशल मामलात हैं, जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो कंट्री के मामलात हैं, इनमें कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन दिन में कंप्रोमाइज नहीं होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है, हमारे लिए हमारा दिन है। मेरे भाइयों, ठीक इसी तरीके पर जब हुजूर की उम्मत में इख्तिलाफ हुए और हुजूर की उम्मत में फिरके बने, तो सब फिरके हक नहीं है, मोटी सी बात है। हुजूर ने फरमाया कि एक ही फिरका जहन्नम में जन्नत में जाएगा, बाकी सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे। जब ये सूरत हाल है तो अब मुसलमान फिरकों के दरमियान में भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये इन मुल्कों में एक बहुत बड़ी गलती है और गलत फहमी है। बहुत से पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं भैया मुसलमानों में झगड़े कैसे, ये कादियानी भी ओके, ये शिया भी ओके, ये गैर जमात इस्लामी के भी ओके, ये गैर मुकल्लिद भी ओके, ये पहाई भी ओके, ये भी ओके, सब ओके हैं। तो फिर वो हदीस में जिसने कहा कि 72 फिरके बनेंगे और एक जन्नत में जाएगा और 72 जहन्नम में जाएंगे, तो हदीस बेकार हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, इस मुद्दे को हमेशा समझो। इस सूरत की रोशनी में ये सूरत कहती है कि हक और बातिल में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हक हक है, बातिल बातिल है, और इसका फैसला करना और समझना ये हर आदमी की जिम्मेदारी, उलमा की जिम्मेदारी। आप पूछें तो वो समझाएं, और न पूछें और मौका है तो समझाएं, लेकिन अगर उलमा ने नहीं समझाया है तो आप ओहदा बरा नहीं हो सकते। अल्लाह मियां से ये कहते हैं कि अल्लाह मियां हम तो जानते हैं इनके कौन हक था कौन बातिल था, आप ये नहीं कह सकेंगे। हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि उम्मत में जो फिरकाबंदियां हुई हैं उनमें कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग कौन है। जो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग है वही हक है,
जिसके अकीदे, जिसके आमाल कुरान और हदीस और सहाबा के नक्शे कदम पर, वही हदीस जिसमें ये बात हुजूर ने फरमाई थी, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा वो कौन है? वो 72 फिरके जो जहन्नम में जाएंगे उनके बारे में सहाबा ने नहीं पूछा, क्यों? वो अभी वजूद में ही नहीं आए, और जब वजूद में नहीं आए तो उनको समझाएंगे कैसे? जो चीज फ्यूचर की है, जो फिरके आइंदा पैदा होने हैं, उनको वजूद में आने से पहले कैसे समझाएंगे? फिर उनको समझने की हमें जरूरत भी क्या है? हमें तो वो एक जमात, एक फिरका समझना है जो जन्नत में जाएगा, उसको समझना है ताकि हम अपने आप को उस पर रखें। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो एक जमात कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, वो एक फिरका वो है जो उस पाप पर है, उस पाप पर है जिस पाप पर मैं हूं, और जिस पाप पर मेरे सहाबा हैं। तो कसौटी ये है, जिस तरीके पर हुजूर हैं और जिस तरीके पर सहाबा हैं, उस तरीके पर जो फिरका, जो जमात है, वो जन्नत में जाने वाला एक फिरका है, और जो हुजूर और सहाबा के तरीके से हटा हुआ है, हटे हुए हैं, मुसलमान फिरकों में जो सही रास्ते से हटे हुए हैं, वो 72 में जाते हैं, वो एक में नहीं रहते हैं। एक में वही फिरका रहता है जो हुजूर के तरीके पर और सहाबा के तरीके पर है। मेरे भाइयों, हुजूर के तरीके पर क्या मतलब, सहाबा के तरीके पर क्या मतलब? हुजूर का जो तरीका है उसका नाम है सुन्नत, और सहाबा जिस तरीके पर, सारे सहाबा जिस तरीके पर थे, उसका नाम है इजमाए उम्मत। इसलिए चार अइम्मा के मानने वालों ने अपना नाम क्या रखा है? अहलुस सुन्ना वल जमा, हम हैं अहलुस सुन्ना वल जमा। हुजूर जिस तरीके पर थे उस तरीके पर हम, और सहाबा, सारे सहाबा की यूनिटी जिस तरीके पर थी उस तरीके को भी अपनाए हुए हम हैं। हमारा नाम है अहलुस सुन्ना वल जमा, हुजूर के तरीके पर चलने वाले और सहाबा के यूनिटी, सहाबा के मुत्तफिका तरीके पर चलने वाले। सहाबा में बाद मसाइल में इख्तिलाफ हुआ, इनकी राय और हुई, इनकी राय अलग हुई। अगर कोई ये राय लेता है, कोई ये राय लेता है, नो प्रॉब्लम। उस सहाबा में दो राय थी, एक इमाम ने ये राय ले ली, एक इमाम ने ये राय ले ली, लेकिन सहाबा सब मुत्तफिक थे। उसको अगर नहीं लेता है तो वो अहलुस सुन्ना वल जमा में नहीं। मसलन सारे सहाबा, उनकी यूनिटी इस पर थी कि हुजूर के बाद खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनके बाद हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा, फिर उनके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा, फिर उनके बाद हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहू खलीफा, फिर उनके बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा, फिर उनके बाद खिलाफत खत्म, फिर उसके बाद में किंगडम मुलुकियत दौर शुरू हुआ। और जब कोई चीज शुरू होगी तो एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो किंगडम शुरू हुई एकदम नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता किंगडम हो जाएगी, आगे जाए। अब अगर कोई शख्स कहता है कि नहीं, हम अबू बकर को खलीफा नहीं मानते, उमर को खलीफा नहीं मानते, उस्मान को खलीफा नहीं मानते, हुजूर के बाद खलीफा बिलाफस्त हजरत अली है, ये तो सहाबा की यूनिटी के खिलाफ है। बस वो जो ये मानने वाले हैं वो अहले हक कैसे हो जाएंगे? वो अहले सुन्ना वल जमा में कैसे हो जाएंगे? तमाम सहाबा की तमाम जमात में कोई इख्तिलाफ इस मसले में नहीं हुआ। खुद हजरत अली करम अल्लाह तआला वजहू ने भी हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत की, हजरत उमर के हाथ पर बैत की, हजरत उस्मान के हाथ पर बैत की, उनमें सहाबा के दौर में कोई इख्तिलाफ नहीं था। खिलाफत इसी तरतीब से। बस अगर आज कोई भी फिरका
इससे इख्तिलाफ करता है तो वो अहलु सुन्ना वल जमाअ में नहीं हो सकता है, वो नाजी फिरकों में नहीं हो सकता है, वो 72 फिरकों में जाएगा, एक फिरका जो जन्नत में जाने वाला उन्हें नहीं हो सकता। ये मैं मिसाल लेकर समझा रहा हूं, मिसालें तो बेशुमार हैं, मैं तो इसकी मिसाल दे रहा हूं कि सहाबा की यूनिटी जिस बात पर है उससे जो इख्तिलाफ करेगा वो गुमराह है। इसी तरह से मेरे भाइयों, सुन्नत और हदीस हुजूर जिस तरीके पर उम्मत को छोड़कर गए, हुजूर आखिरी सांस तक जिस तरीके पर थे वो सुन्नत, फिर हुजूर के बाद जो लोगों ने इस सुन्नत को अपनाया वो अहलु सुन्ना है, सुन्नत को मानने वाले। यहां रुक कर एक मसला समझे, कुरान करीम में बाद आयतें मनसूख हो गई और दूसरी आयतें नासिख आई, लेकिन मनसूख आयतें उठा ली, उनकी तिलावत उठा ली। बस आज कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है कि जो तमाम जमानों में और तमाम मवाद में मनसूख हो, ऐसी कोई आयत नहीं। लेकिन हदीसों का नक्शा ऐसा नहीं, हदीसों में भी पहले अहकाम कुछ और थे, बाद में अहकाम बदले, तो वो पहले वाले जो अहकाम थे वो भी हदीसों में मौजूद हैं, वो हदीसें मौजूद हैं, और जो बाद के अहकाम हैं वो भी हदीसों में हैं। जो पहले वाले अहकाम हैं वो सिर्फ हदीस हैं, उन पर अमल नहीं करना है। जो बाद के अहकाम हैं वो हदीस भी हैं और सुन्नत भी है, और इस सुन्नत को अपनाने वाले अहले सुन्ना है, क्योंकि हुजूर आखिर तक इस पर रहे। मैं दो मिसालें समझाऊं तो आप समझेंगे। पहले ये हुक्म था कि एक शख्स बावजू है और उसने आग पर पकी हुई कोई चीज खाई या पी तो वजू टूट गया, अब नमाज पढ़नी है, नया वजू करो और नमाज पढ़ो। ये पहले शरीयत में हुक्म था। आज भी रिवायत मौजूद है, तवब्बऊ मिम्मा मस्सतिन नार, वुजू करो उन चीजों से जिन चीजों को आग ने टच किया, छुया, उसको अगर खाओ पियो और बावजूद थे और ऐसी चीज खाई पी तो वुजू टूट गया, अब अगर नमाज पढ़नी है फिर वुजू करो। ये हुक्म पहले का था और हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है, मगर ये सुन्नत नहीं। बाद में ये हुक्म खत्म हो गया और बेशुमार हदीसें हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन सहाबा आग पर पकी हुई चीज खाते पीते थे, फिर नया वुजू किए बगैर नमाज पढ़ते थे। मालूम हुआ पहला हुक्म खत्म है, ये दूसरा हुक्म उसकी जगह पर आया। तो ये जो दूसरा हुक्म बाद में आया है ये सुन्नत है, और पहला हुक्म जो अब भी हदीस मौजूद है वो सिर्फ हदीस है, वो सुन्नत नहीं। बस अगर कोई ये कहे कि भाई ये भी अबू दाऊद में हदीस है, ये भी तिर्मिजी में हदीस है कि तवज्जो मिम्मा मस्सतिन नार, वुजू करना वाजिब है, तो ये कहना सही नहीं है। हदीस बेशक मौजूद है लेकिन वो हुक्म बाद में बदल गया। इसी तरह से एक दूसरी मिसाल दो, ये तो वो है जिसमें पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि ये पहले का हुक्म है, ये बाद का हुक्म ये आया है, पर पहले का हुक्म जो है ये हदीस है और दूसरा हुक्म हदीस भी है और सुन्नत भी है, और अहलु सुन्ना वो है जो सुन्नत को लेते हैं, सिर्फ हदीस को नहीं लेते। दूसरी मिसाल दो जिसमें ये लोग अइमा में इख्तिलाफ हो गए। नमाज में तीन जगह, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और तीसरी रकात से खड़े होने पर रफाए देन, ये सुन्नत है। दो इमाम कहते हैं, इमाम शाफी और इमाम अहमद कहते हैं सुन्नत, और इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक कहते हैं ये सुन्नत नहीं। यानी नबी हदीस है दोनों तरफ, ये भी हदीसें हैं कि इन जगहों में हुजूर रफाए देन करते थे, और ये भी हदीस है कि हुजूर नमाज में कहीं रफाए देन नहीं करते। तकबीर तहरीमा में रफाए देन करते थे, वो नमाज से बाहर है।
देखो हम जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो किस तरह नमाज शुरू करते हैं। अभी नमाज शुरू नहीं हुई, अल्लाहू अकबर, ये बर पूरा हो गया, नमाज शुरू हुई। तो ये हाथ उठाना और बांधना नमाज से बाहर है, नमाज में कहीं रफा अदब नहीं रहा। ये राय है इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक की, और इमाम शाफी और इमाम अहमद रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि रुकू में जाते रुकू से उठते और किसी रकात के शुरू में रफा अदब सुनना। इन दो बड़े इमामों ने ये बात क्यों कही? हदीसें तो इधर भी हैं, हदीसें तो इधर भी हैं। हुजूर रफा अदब करते थे ये भी हदीस है, नहीं करते थे ये भी हदीस है। बड़े दो इमाम कहते हैं कि हुजूर की वफात के बाद में चार खलीफा जो हुजूर के मुसल्ले पर आकर खड़े हुए हैं और उन्होंने 30 साल नमाजें पढ़ाई हैं, ये चारों खलीफा ने नमाज में रफा अदब नहीं किया। अगर हुजूर का आखिरी अमल रफा अदब करना होता तो ये मुमकिन है कि अबू बकर मुसल्ले पर खड़े होते ही हुजूर का अमल बदल दे? ये मुमकिन है? नामुमकिन। और ये बात साबित है कि चारों खलीफा ने पूरी 30 साल नमाजें पढ़ाई उस मुसल्ले पर, उस मुसल्ले पर चारों खलीफा ने रफा अदब नहीं किया। मगर दो इमाम यूं कहते हैं, वो ऐसा समझते हैं, तुमको समझने का हक है। मैं तो मिसाल दे रहा हूं कि बाद हदीसें और सुन्नत को जिसमें पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि ये हदीस है और पहले दौर की है, बाद में ये हुक्म खत्म हो गया और बाद में दूसरा हुक्म आ गया, ये दूसरा हुक्म है ये सुन्नत, और बाद जगह पर इख्तिलाफ हुआ है समझने में। दो इमाम कहते हैं कि पहला अमल था रफा अदब, बाद में रफा खत्म हो गया। दूसरे दो इमाम कहते हैं कि नहीं, पहले रफा नहीं था, बाद में 3 जगह रफा बढ़ा। तो इन जिसकी ये राय है तो इस पर अमल करो, जिसकी ये राय है उस पर अमल करो। मैं अमल के मसले में दखल नहीं दे रहा, आप हजरात के अमल के मसले में दखल नहीं दे रहा, मैं तो मिसाल समझा रहा हूं कि सुन्नत और हदीस में ये फर्क हो जाता है। बस ऐसी जगहों में अहलुस्सुन्ना वल जमा यानी हुजूर उम्मत को जिस हाल पर छोड़कर गए, हुजूर का जो आखिरी अमल था और उसके बाद सहाबा की यूनिटी जिस अमल पर रही है, वो अहलुस्सुन्ना वल जमा का मसलक, यही अहले हक है। और इस सूरत पाक ने यही समझाया है कि मुसलमानों में जो भी फिरते हैं होने दो, हमें किसी से नहीं लड़ना, किसी से बहस नहीं करनी, किसी से मुनाजरा नहीं करना, तुम्हें तुम्हारे अकाई तुम्हारे आमाल मुबारक, मगर मेरे भाइयों अगर नजात चाहिए तो अहलुस्सुन्ना वल जमा के अकाइद में और आमाल ही में नजात। इस सूरत पाक का यही सपना सबक है। इस सूरत में जो मुशरिकीन से काफिरों से कहा गया था वो सबसे कहना है, ईसाइयों से भी यही कहना है, यहूदियों से भी यही कहना है, बुद्धिस्टों से भी यही कहना है, मुसलमानों में जो गुमराह फिरके पैदा हुए उनसे भी यही कहना है। अगर इस तरीके से आप अहलुस्सुन्ना वल जमा को सेपरेट अलहदा नहीं रखेंगे और सारी दुनिया को ओके के तहत में जमा कर देंगे तो फिर मसला चूं चूं की मुरब्बा बन जाएगा और हक और बातिल की खिचड़ी तैयार हो जाएगी और वो नजात का रास्ता नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दो दुरूद शरीफ पढ़ो भाई, दुआ करें। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، میرے مولا ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما، اے اللہ دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے میرے مولا دین حق کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اہل حق میں شامل فرما، اے اللہ باطل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اے اللہ اہل باطل سے ہمیں دور فرما، اے میرے مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کسی بھی پریشانی اور ٹینشن میں ہیں ان کی پریشانی
پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.